आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर जो है अब 3 महीने के लिए जो है लॉकडाउन और भी बढ़ा गया। और ऐसा ही खबर जो है अब इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा जो है अब शेयर किया जा रहा है, वायरल हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है कि अब जो है लॉकडाउन को 21 दिन से बढ़ाकर अब 3 महीना कर दिया गया है। आपको बता दें कि EMI में 3 महीने की छूट के बाद पूरी देश में हड़कंप मच गया। सबका मन में एक ही सवाल है, क्या इसके पीछे सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का और भी ज़्यादा कोई इसका संभावना बन गया। और ऐसे में बहुत सारे फेक न्यूज़ जो है चला जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब 3 महीने के लिए जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि और भी कोरोना वायरस को हराने में ताकि मदद मिले। सरकार की ओर से 3 महीने अब जो है पूरे देश भर बंद रहेगा, सारी सेवाएं बंद रहेगी। 14 अप्रैल के बाद फिर से 3 महीने के लिए अब जो है फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस को हरा सके। तो ऐसे में ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, पर ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ सरासर फेक है, क्योंकि जब पड़ताल किया गया तो पड़ताल में ना ही कोई बड़े बड़े एजेंसी, ना ही कोई बड़े बड़े न्यूज़ जैसे ABP न्यूज़, आज तक ना ही इसने अभी तक जो कोई इस तरह का खबर जो है अपने बुलेटिन में या फिर ये खबर बड़ी खबर में या फिर ब्रेकिंग में दिया है। तो ये हम जान सकते हैं कि ये जो खबर है सरासर झूठ है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 24 तारीख को देश को संबोधन कर रहे थे, उस टाइम आधा घंटे के उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक यह ऐसा समय है जब अफवाह को बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है और बहुत जोर पकड़ लेता है अफवाह, और अफवाह बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो ऐसे में आपको भी अफवाह से बचना है, और ऐसे में हम आपको बताएंगे हर अफवाह के बारे में सबसे पहले महाकाल न्यूज़ में। तो ऐसे में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आपको हम बताने वाले हैं हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में, आप इतना ही, धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम, धन्यवाद।